साहब की जयंती है 131वीं, उनकी जयंती पे हम बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और बाबा साहब के वो कथन, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का ये जो संदेश था, मुझे लगता है आज जिस तरह से देश चल रहा है, जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं बाबा साहब के इस कथन को जो प्रेरणा देता है देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो संदेश था कि देश के हर वर्ग के हर बच्चे को शिक्षा देना और जो उसका योगदान देश में रहेगा उसको लेकर के जो उन्होंने संदेश दिया था, आज उसको कहीं ना कहीं दरकिनारा किया जा रहा है। और सरकारें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं तो कई तरह के प्रश्न हैं जो सरकारों से लाजमी हैं आज बाबा साहब की जयंती पर उनसे प्रश्न पूछना, बल्कि उनके द्वारा निर्मित कहूँ, बाबा साहब के द्वारा रचित कहूँ, इस देश की आत्मा कहूँ, इस देश का जो संविधान है जिस पे देश निरंतर आगे बढ़ रहा था, आज उस न केवल संविधान को बल्कि लोकतंत्र को भी आज खतरे में डाला जा रहा है। तमाम ऐसी देश के अंदर सूचनाएं, देश की खबरें ये प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं तानाशाही रवि के साथ ये सरकारें काम कर रही हैं। जहां केंद्र की सरकार, वहीं पर दिल्ली सरकार पे भी मैं कहना चाहता हूं, मात्र बाबा साहब की तस्वीर को या बाबा साहब के नाम को आगे रख करके एक समुदाय को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पूर्व में और कई इस तरह के संगठन करते आए हैं। और ये बात मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज बाबा साहब की जयंती है, लेकिन बड़ा आवश्यक हो जाता है इस समय उन बातों को आपके समक्ष रखना, दिल्ली की जनता के समक्ष रखना, जो शायद पूर्व में इन्हीं सरकारों ने और इन्हीं दलों ने जो आज सत्ता में काबिज हैं, चाहे वो केंद्र में या दिल्ली में, जो इन्होंने अपने चुनावी समय या सरकार बनाने से पहले एक विशेष वर्ग को या देश के उन गरीब वर्ग को ये उम्मीद जताई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह के हम कार्य करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, लेकिन अफसोस आज उन योजनाओं से परे कार्य किए जा रहे हैं। मात्र पुष्प चढ़ाने से या किसी संस्था का नाम रख देने से मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब का जो कथन था, जो बाबा साहब का संदेश था, उसको कहीं पूरा करने की कोशिश सरकारों के द्वारा की जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो साथियों, मेरी क्षमा के साथ कि देश के अंदर जहां आज धर्म के नाम पर उन्माद किया जा रहा है, ऐसा ही एक मसला था जहां आज के समय में सरकारें चूकती नहीं हैं खासतौर से धर्म से जुड़े संबंधित कोई घटना को भुनाने में। एक ऐसा ही आस्था का इशू था जो खासतौर से दलित वर्ग का सीधे तौर पर जिस संस्था से, जिस मंदिर से लगाव था, वो बाबा रविदास जी मंदिर का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसे मंदिर को तोड़ा गया, सरकारों के द्वारा तोड़ा गया, जब भाजपा और अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन शांतिप्रिय लोगों ने अपने बाबा रविदास जी के मंदिर की आस्था का हवाला देते हुए सरकारों से गुजारिश की, कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके जीत हासिल की, निर्णय लिया, लेकिन अफसोस आज तक इनके उत्थान के लिए इस मंदिर की, जिसमें सीधे तौर पर भावनाओं का इशू है, संबंध है, वहां आज तक उस पर ये सरकार निर्णय नहीं ले पाई। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।